Welcome back, my dear friends. The last series of video, the principle of Reiki. Principle of Reiki mein hum log, just for today, I will not worry. Just for today, I will not be angry. Just for today, I will do my work honestly. Just for today, I will be grateful. Just for today, I will be kind to others. ये रेकी के प्रिंसिपल डॉक्टर मिकाओ उषा ने जब फाउंड किए तो मेरे मन में एक सोच आया कि जो अष्टांग योग महर्षि पतंजलि ने बताया है यम एंड नियम वही है माय डियर फ्रेंड्स. अगर हम पूरे दिन में कभी भी टेंशन नहीं ले, वरी नहीं करें, तो हम अपने एनर्जी को अपने अंदर बना सकते हैं. टेंशन लेते हो तो एनर्जी अपने अंदर से धीरे धीरे कम होने लगती है. तो कभी भी अपने अंदर अपने मन में टेंशन, डिप्रेशन या कोई भी ऐसी चीज नहीं डालनी है. द फर्स्ट प्रिंसिपल है, डेली आपको ये प्रिंसिपल को याद करना है. जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट बी वरी. आज के दिन हम वरी नहीं करेंगे, टेंशन नहीं लेंगे. आई विल नॉट बी एंग्री फॉर टुडे. Just for today, I will not be angry. आज के दिन मैं गुस्सा नहीं करूंगा. क्योंकि जब भी हम अपने जीवन में दिन में कभी भी हम गुस्सा करते हैं तो आप अपनी सब एनर्जी वो एंगरनेस में, गुस्से में निकाल देते हो. तो वो जो एनर्जी, कॉस्मिक ऊर्जा, शक्ति हमको अपने आप के लिए यूज करना है, सही काम के लिए यूज करना है, पॉजिटिव बातें के लिए यूज करना है, पॉजिटिव इवेंट्स के लिए यूज करना है, वो नहीं बचेगी. इसके लिए हमको कभी भी गुस्सा नहीं करना है. गुस्सा करना चाहे तो आर्टिफिशियल गुस्सा कर सकते हो, लेकिन दिलो दिमाग, इमोशन उसके अंदर नहीं लगाना है. थर्ड प्रिंसिपल है, जस्ट फॉर टूडे आई विल डू माई वर्क ऑनेस्टली. अगर ऑनेस्टी नहीं रखोगे माय डियर फ्रेंड्स, तो आपको पता है एक झूठ बोला है, वो झूठ को सस्टेन करने के लिए दूसरा झूठ बोलना पड़ता है, और दूसरा झूठ बोला है तो उसको दबाने के लिए तीसरा झूठ बोलना पड़ता है. तो वैसे ही चलता रहता है. और ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी माय डियर फ्रेंड्स. अगर आप ऑनेस्ट नहीं हो अपने आप के लिए, अपने आप के ऊपर, कोई ना कोई तो हमारे ऊपर नज़र डाल रहा है, एनर्जी हमारे ऊपर नज़र डाल रही है. कि अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मैंने कुछ किया है गलत, लेकिन किसी को पता नहीं है, तो नहीं, ऐसा नहीं है माय डियर फ्रेंड्स. हमारे, अगर आप अभी भी देखो अपने आगे पीछे जितने भी चीज वस्तुएं है, वो सभी एनर्जी है, वो सभी ऊर्जा है के स्रोत है. तो हम सभी एनर्जी के आगे पीछे ही घूम रहे हैं. तो आपको कभी भी रॉन्ग करना नहीं है. आई विल बी ग्रेटफुल एक बहुत बड़ी अच्छी एक्सरसाइज हम जब अपने वर्कशॉप में आते हैं तो करवाते हैं कि आई विल बी ग्रेटफुल टू माई फॉर टूडे. मैं मेरे पेरेंट्स के लिए ग्रेटफुल हूँ, मैं मेरे गुरुज के लिए ग्रेटफुल हूँ, मैं मेरे फ्रेंड्स, फैमिली, सोसाइटी के लिए ग्रेटफुल हूँ, मैं मेरी आंखों के लिए, मुंह के लिए, मैं मेरे हाथ पांव, चंद्र, सूर्य, सभी के लिए ग्रेटफुल हो. और ग्रेटफुलनेस, ग्रेटिट्यूड की भावना है ही हमको और ज़्यादा एनर्जी अपने अंदर डेवलप करने के लिए हेल्प करती है. लास्ट है, आई विल बी काइंड टू अदर्स. माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको सक्सेस चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, पीस चाहिए, तो ये एक लास्ट प्रिंसिपल. अगर आप दो सेकंड, दो मिनट तक भी दूसरों के लिए अच्छा सोचोगे तो आपको ऑटोमेटिक सक्सेस मिलेगा, शांति मिलेगी, पीस मिलेगी. तो ये प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर मिकाओ उषाई के है. अगर आप योग के प्रिंसिपल को फॉलो करते हो, वो भी सेम ही है. यम, नियम, ये दोनों फॉलो करोगे तो भी सेम ही है. जैसे यम में कहा है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, प्रेम, अपरिग्रह, तो उसको भी फॉलो करोगे तो वही सेम आ जाएगा. नियम को फॉलो करेगो योग के शास्त्र के हिसाब से तो वो भी सेम आ जाता है. तो माय डियर फ्रेंड्स, हम रेकी प्रिंसिपल
फॉलो करते हैं तो इतने सारे बेनिफिट्स ये ऊर्जा शक्ति एनर्जी को डेवलप करते ही मिलेगा। हम अपने अंदर एक रिलैक्सेशन प्रमोट डीप रिलैक्सेशन मिलेगा, स्ट्रेस एंजाइटी से हम दूर रहेंगे, अपने बॉडी के जितने भी पेन है दर्द है वो गायब हो जाएंगे, मसल्स टेंशन फ्री हो जाएगा, हमको पीस ऑफ माइंड मिलेगा, इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिकवरी फ्रॉम इंजरी। हम दूसरों को जो टाइम लगता है इंजरी को रिकवर करने में, हमारा टाइम गैप कम हो जाएगा, हम एनर्जाइज महसूस करने लगेंगे, हम अपनी इम्यूनिटी पावर इम्यूनिटी सिस्टम को और प्रमोट कर सकते हैं और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ये हमारे हेल्थ के बेनिफिट्स है रेकी को यूज करते हुए। रेकी को हमारे बॉडी में जितने भी ब्लॉकेज है वो ब्लॉकेज को खोल देता है। हमारे बॉडी में 14 मेरिडियंस आती है, वो मेरिडियंस पॉइंट्स के ऊपर ये ऊर्जा शक्ति एनर्जी है जो हम पास करते हैं तो मेरिडियंस पॉइंट्स खुल जाते हैं, एक्यूपंचर करके एक्यूप्रेशर करके ये रेकी प्राण ऊर्जा को एक्टिवेट करके खुल जाते हैं, चक्र खुल जाते हैं, ओरा क्लीन हो जाता है, हीलिंग क्लीन हो जाती है, कामनेस लगता है, पेन कम हो जाता है और बहुत कुछ अच्छा लगने लगता है। और जब हम आपको एनर्जाइज करते हैं ऊर्जा को बैलेंस करते हैं तो आप ये सामने अपना फोटो देख सकते हो कि कैसे चक्र ऑटोमेटिक ही ऊर्जा को डेवलप करते हैं और आप हमेशा के लिए एक पीस ऑफ माइंड और एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए तैयारी कर लेते हो। बहुत सारे रिजल्ट्स अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग आते हैं। बेसिक के लिए आप जो जाते हो, अभी हम सीख रहे हैं उसमें आप बहुत कुछ सीखा, लेवल टू पे आप जाओगे तो उससे भी ज़्यादा एनर्जी और उससे भी ज़्यादा डीप नॉलेज आपको मिलता है। जब लेवल थ्री मास्टर लेवल पे आते हो तो आप दूसरों को सिखा भी सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच। ये लास्ट पार्ट ऑफ द सीरीज का लास्ट वीडियो था और मैं डॉक्टर विशाल गांधी आप सबको हमारे फेसबुक के ग्रुप में लर्न रेकी हीलिंग एंड माइंड पावर के ज्वाइन हो जाइए। हम ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस रखते हैं, रेकी के बहुत सारे ट्रेनिंग्स वो ग्रुप में हम चलाते हैं, तो आप सभी लोग ये ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। थैंक यू वेरी मच।